नमस्कार, मैं हूँ रेनू भाटिया। आज की खास और बड़ी खबरों के लिए आपका स्वागत है न्यूज हब भारत में। खबर औरैया जिले से है। यहाँ विधुना विधायक के कार्यालय के पास अपने भाई से विवाद के बाद एक सिपाही ने जमकर हंगामा किया। हंगामा और मारपीट के बाद बवाल इतना बढ़ गया कि सिपाही को काबू में करने के लिए स्थानीय लोगों को उसे रस्सी के सहारे खंभे से बांधना पड़ गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि विधुना कोतवाली क्षेत्र के एरवा कटरा के कटैया रोड के रहने वाले सिपाही देवेंद्र यादव वर्तमान में फरुखाबाद कायमगंज में तैनात। सिपाही का विवाद अपने भाई छुन्ना से चल रहा है। इसी विवाद को लेकर देर शाम दोनों भाजपा विधायक विनय शाक्य के कार्यालय पर पहुंचे थे, जिसके बाद वहां पर भी विवाद निपटने की बजाय और बढ़ गया। वहीं विधायक विनय शाक्य के भाई विधायक प्रतिनिधि देवेश शाक्य के ऊपर सिपाही देवेंद्र द्वारा सर पर डंडे से प्रहार कर दिया, लेकिन वहां खड़े कार्यकर्ताओं ने डंडा बीच में पकड़ लिया, जिससे देवेश गिर पड़े और सिपाही ने उनकी जेब से 1200 रुपए निकाल लिए। पूरी घटना की जानकारी देवेश द्वारा पुलिस को दी गई। इस पूरे प्रकरण में पुलिस कप्तान औरैया का कहना है कि सिपाही का अपने भाई से कोई विवाद था, इस मामले में जांच की जा रही है। वहीं सिपाही शराब के नशे में बताया जा रहा है, इसका डॉक्टरी परीक्षण कराया गया, मामला विधुना कोतवाली में दर्ज कर लिया गया, कार्रवाई की जा रही है। थाना विधुना क्षेत्र में देर शाम एक सूचना प्राप्त हुई कि देवेंद्र नाम का एक व्यक्ति, जो कि इस समय सिपाही के रूप में थाना कायमगंज फरुखाबाद से गैरहाजिर चल रहा है, उसके द्वारा कल शराब के नशे में उग्र व्यवहार किया गया और मारपीट की गई। इसके द्वारा अपने परिवारजनों से ही मारपीट की गई। बीच बचाव करने गए लोगों और कार्यकर्ताओं द्वारा के ऊपर भी इसके द्वारा उग्र व्यवहार और उनसे अभद्रता की गई। इस संबंध में श्री देवेश शाक्य द्वारा प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस द्वारा इसको मौके से हिरासत में लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। देखिए, कल शाम को मैं अपने कार्यालय पर बैठा हुआ था, तो देवेंद्र यादव नाम का एक कटैया का शख्स है, वो यहाँ पे आता है और बाहर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने उसको रोका, पूछा, तो उनसे गाली गलौज की और सीधा मेरे ऊपर डंडा लेके, जब उसने डंडा मेरे ऊपर चलाया तो मेरे साथ वालों ने हाथ जैसे लगा दिया तो डंडा मैं गिर गया नीचे और उसने डंडा मेरे सर पे मारने का पूरा प्रयास किया। और जैसे ही उसने डंडा मारा है तो हमारे लोगों ने उसको खींचा, तो उसने मेरी जेब से लगभग 1200-1300 रुपये पड़े थे वो निकाल लिए और जब भागने का प्रयास किया तो हमारे साथ के जो लोग हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया। फिर मैंने जब पुलिस को सूचना दी तो जब पुलिस आई है, इंस्पेक्टर आए थे विधुना, जब पुलिस साथ में और लोग आए तो जब पुलिस ने उस पर दबाव बनाया तो दबाव बनाने के एवज में उसने पुलिस पर हाथ चला दिया, पुलिस की राइफल छीन ली, सबके सामने उसका वीडियो पुलिस ने बनाया है और पुलिस पर भी बहुत उसने अत्याचार किए। ये देवेंद्र यादव करता क्या? मुझे तो बाद में सूचना मिली है कि ये सुनियोजित प्री प्लान था, ये कटैया के रहने वाले हैं और ये पुलिस में तैनात हैं, ये एक दो दिन पहले ही छुट्टी पे आए हुए थे और अब मैं अपने सूत्रों से पता कर रहा हूँ कि क्या बात है और कहीं ना कहीं ये सुनियोजित ढंग से ये प्री प्लान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ भारत।